भारत और पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा लगातार किए जा रहे सीज फायर उल्लंघन से भारतीय सैनिकों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। बीते दिनों भी पाकिस्तानी रेंजरों ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत सीमा पर गोलियां चलाई, जिसमें भारत के 4 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान जवानों के खिलाफ लगातार सीज फायर उल्लंघन के विरोध में गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौराहे पर पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। पुतला दहन के दौरान बजरंग दल के महानगर संयोजक मुकुल शुक्ला, विजय खेमका, रामानंद गुप्ता, देवीलाल गुप्ता, अनिल कुमार सिंह, महेश गर्ग सहित दल के कई सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुकुल शुक्ला ने कहा, पाकिस्तान हाय 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 मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच रमजान के महीने में सीज फायर करने के लिए सहमति बनी थी। भारत ने अपना वादा निभाया, लेकिन पाकिस्तान दिन प्रतिदिन इस वादे को तोड़ता आया है। रोज कुछ ना कुछ वो उल्लंघन कर रहा है सीज फायर का, जिससे हमारे सैनिक रोज मर रहे हैं। हम बजरंग दल के लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो भी सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दे। बजरंग दल के कार्यकर्ता जो वीर सैनिक शहीद हुए उससे आक्रोशित हैं और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान दुगला एक देश है, वो कभी भी बात नहीं मानता है।